हेलो गाइस, वेलकम टू हिनकोच। हिनकोच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वंदना। अब इस वीडियो लेसन में स्टडी करते हैं कि अगर हम कोई अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो इंग्लिश में कौन सी सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम कोई अपॉइंटमेंट को मना कर देते हैं, डिक्लाइन करते हैं, तो इंग्लिश में कौन से सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए, लेट्स बिगिन। एक्सेप्टिंग एन अपॉइंटमेंट, जब आप किसी के अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हो तो हम कौन से सेंटेंसेस का यूज करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज यस आई विल बी देयर। इसका मतलब है हाँ मैं वहाँ होऊंगा। किसी ने आपको बोला थर्सडे को लाइब्रेरी में एक मीटिंग है, क्या आप वहाँ आ जाएंगे, तो आपने कहा यस आई विल बी देयर, हाँ मैं वहाँ आ जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अनदर वन आई विल बी देयर एट दैट टाइम। इसका मतलब मैं उस समय पर वहाँ होऊंगा या वहाँ रहूँगा। किसी ने आपको बोला कल 3 बजे आप कॉफ़ी शॉप पर मिल सकते हैं, एक मीटिंग रखनी है आपके साथ, आपने कहा आई विल बी देयर एट दैट टाइम, मैं उस समय वहाँ आ जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। अनदर सेंटेंस श्योर आई विल कम। इसका मतलब है मैं अवश्य आऊँगा। आपके पास एक इंटरव्यू का कॉल आता है कि कल 10 बजे शार्प आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, क्या आप आ जाएंगे, तो आप कहते हो श्योर आई विल कम, मैं अवश्य आऊँगा। अनदर वन यस संडे इज फाइन। किसी ने आपको बोला संडे के दिन आप फ्री हो, संडे को आप मिल सकते हो, तो आप कह रहे हो यस संडे इज फाइन, संडे का दिन ठीक है, संडे को हम मिल सकते हैं, संडे को मीटिंग रख सकते हैं। अनदर वन मंडे सूट्स मी। इसका मतलब है सोमवार का दिन मुझे सूट करता है, सोमवार का दिन ठीक है, सोमवार को मिल सकते हैं। अनदर वन ट्यूजडे साउंड्स फाइन। इसका मतलब है मंगलवार का दिन ठीक लग रहा है, मंगलवार को मिल सकते हैं, मंगलवार को कोई भी मीटिंग रख सकते हैं। गाइज, जैसे मैं मंडे ट्यूजडे ऐसे डेज ले रही हूँ, आप भी ऐसे कोई भी डेट ले सकते हैं जिस दिन आप अवेलेबल हैं, आप फ्री हैं। अगर आपको मंडे का दिन ठीक लगता है मीटिंग के लिए, तो आप मंडे साउंड्स फाइन, ऐसे इन सेंटेंसेस में जो भी दिन आपको ठीक लगता है मीटिंग के लिए, आप वो डे यूज़ कर सकते हैं। अनदर वन आई वुड बी अवेलेबल टू डिस्कस ऑन 17th। किसी ने आपको बोला 17 तारीख को आप अवेलेबल हैं, आप मिल सकते हैं मीटिंग के लिए, तो आप बोल रहे हो आई वुड बी अवेलेबल टू डिस्कस ऑन 17th। मैं 17 तारीख को अवेलेबल रहूँगा, उपलब्ध रहूँगा डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। सो गाइज, अब हमने स्टडी करे इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस अगर आप किसी के अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हो। अब ज़रूरी तो नहीं ना आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करो, क्या पता आपके पास टाइम ना हो या आप किसी काम में बिज़ी हो, आपकी पहले से ही कोई अपॉइंटमेंट हो तो हम मना कर देते हैं। तो मना करने के लिए कौन से इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, देखते हैं। डिक्लाइनिंग एन अपॉइंटमेंट, द फर्स्ट वन मंडे सीम्स टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। इसका मतलब है मंडे का दिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। किसी ने आपको बोला मंडे को मिल सकते हो, मंडे को मीटिंग रखें, आपने कहा नहीं मंडे सीम्स टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, मंडे का दिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मंडे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मंडे वैसे भी वीक का स्टार्टिंग डे होता है तो काम ज़्यादा ही होते हैं, तो आपने कहा मंडे सीम्स टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। अनदर वन आई वुड प्रेफर टू मीट ऑन सैटरडे, इज दैट ओके। इसका मतलब मैं शनिवार को मिलना चाहूँगा, क्या ये ठीक है। आप मना कर रहे हो, किसी ने आपको बोला फ्राइडे मिल सकते हैं, तो आप मना कर रहे हो नहीं फ्राइडे में नहीं मिल सकता, इसकी जगह आप बोल रहे हो आई वुड प्रेफर टू मीट ऑन सैटरडे, इज दैट ओके, मैं शनिवार आपसे मिलना चाहूँगा, क्या ये ठीक है। आप दूसरे व्यक्ति से भी उसकी सलाह ले रहे हो कि मैं शनिवार आपसे मिल सकता हूँ, इज दैट ओके, क्या आपके लिए ठीक है, आप मिल पाएंगे। अनदर वन आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अनदर मीटिंग। मैं चिंतित हूँ, मुझे डर है कि मेरी एक और मीटिंग है, सॉरी मैं नहीं मिल पाऊँगा, आई हैव गॉट अनदर मीटिंग, मेरी कोई दूसरी मीटिंग है, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अनदर मीटिंग। अनदर वन आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू मेक इट ऑन ट्यूजडे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मंगलवार को नहीं मिल पाऊँगा, मंगलवार को मैं नहीं आ पाऊँगा। अनदर वन सॉरी आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगा या मैं मिल पाऊँगा। आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगा या मैं मिल पाऊँगा या मीटिंग रख पाऊँगा। आई होप यू डू लाइक द वीडियो।
Please do like, share and subscribe our channel Hinkhoj, where learning English is very easy. Thank you.